हिमाचल के विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में 29 सितंबर से 8 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले आश्विन मेलों के दौरान भिक्षावृत्ति पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा और भिखारियों को कोला बाला टोबा से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। नवरात्रों के दौरान श्रद्धालु की सुरक्षा और सुविधा का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। इस बार एक और अहम फैसला लिया गया है जिसके तहत श्रद्धालुओं को लाइनों में एलईडी के माध्यम से भी माता के दर्शन होते रहेंगे और इसके लिए मंदिर न्यास और जिला प्रशासन ने पूरी तरह से प्रारूप तैयारियां कर ली हैं। यह बात डीसी बिलासपुर राजेश्वर गोयल ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। न्यास के भवन मात्र आंचल में जिला प्रशासन की और मंदिर न्यास की मेला प्रबंधों को लेकर एक अहम बैठक संपन्न हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक की अध्यक्षता जिलाधीश बिलासपुर राजेश्वर गोयल ने की और बैठक में जिला SP साक्षी वर्मा भी मौजूद रही। इस दौरान उन्होंने बताया कि कोलावाला टोबा सीमा से आगे हिमाचल प्रदेश में बड़े वाहनों मालवाहक वाहनों का आना प्रतिबंध रहेगा, क्योंकि जो भी ट्रैक्टर ट्रक टेम्पू सवारियां लेकर आते हैं वह हिमाचल सीमा में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, उन्हें कोला बाला टोबा में ही रोक दिया जाएगा। इसके अलावा मंदिर के अंदर कड़ाह प्रसाद और नारियल चढ़ाने का भी सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिबंध रहेगा। मेले के दौरान मेला क्षेत्र को 9 सेक्टरों में विभाजित किया जाएगा। आज मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारा श्री नैना देवी जी में आश्विन मेला 2019 जो कि 29 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक जिसका आयोजन किया जाना है और जिसमें पूरे देश से जो हैं श्रद्धालु आते हैं, उसके इंतज़ामों से संबंधित एक बैठक का जो है आयोजन किया गया श्री नैना देवी जी में, और इसमें जो भी हमारे संबंधित विभाग हैं उनके आला अधिकारी उसमें बैठक में उपस्थित थे। और अभी पिछला अगस्त के महीने में जैसा बड़ा सफलतापूर्वक यहाँ पर हमारा जो श्रावण का जो है मेला उसका आयोजन किया गया, उसमें जो भी हमें डीब्रीफिंग की गई उसके विषय में और जो भी अच्छे पॉइंट्स उसमें आगे उजागर किए गए विभागों द्वारा, और जो गत वर्ष जो हमारे आयोजन होता था उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सभी का समावेश करते हुए आज बड़ी विस्तृत चर्चा की गई। और गत वर्षों की भांति इस बार भी जो है जो नवरात्रों के जो हमारे मेला होते हैं उसमें जो हमारे SDM श्री नैना देवी जी जो कि अध्यक्ष भी हैं मंदिर न्यास के, वो मेला अधिकारी के रूप में उनको नियुक्त किया जाता है, और जो हमारे तहसीलदार और जो मंदिर अधिकारी हैं वो सहायक मेला अधिकारी के रूप में उनको नियुक्त किया जा रहा है। उसके अतिरिक्त जो हमारे स्थानीय उप पुलिस अधीक्षक हैं वो मेला पुलिस अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। और मेला जो क्षेत्र है इसको 9 सेक्टर्स में हर वर्ष की भांति हर मेला की भांति जो है विभाजित किया गया है, जिसमें 5 सेक्टर मजिस्ट्रेट जो हैं वो ड्यूटी देंगे। और पार्किंग की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ जो है पार्किंग स्थल जो है उनको चिन्हित किया गया है। जहाँ तक चिकित्सा सुविधा की बात है तो उसमें निर्णय लिया गया कि जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है या आयुर्वेदा विभाग है कि पूरी जो सुविधाएं जो हैं 24 घंटे वो प्रदान करेंगे श्रद्धालुओं को स्थानीय नागरिकों को, और हमारी 4 एम्बुलेंसेस और 5 हमारे जो है मेडिकल असिस्टेंस बूथ जो हैं वो यहाँ पर हम एस्टैब्लिश करेंगे। सफाई व्यवस्था के ऊपर विशेष जो है ध्यान हम देने जा रहे हैं। जैसे आपको मालूम ही है कि उस दौरान में पूरे देश में जो है 2 अक्टूबर को एक स्वच्छता अभियान जो है प्लास्टिक मुक्त अभियान जो है उसका भी लॉन्च हो रहा है, तो उसके साथ साथ इसी समय में हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो है स्वच्छता का जो है उच्चतम जो है उसका हम स्टैंडर्ड रखें। और जहाँ तक मंदिर न्यास की जो बैठक है, इससे अध्यक्ष जो है मंदिर न्यास के और हमारे 16 ट्रस्टीज जो हैं उसमें टोटल 16+3 19 जो है हमारे सदस्य और पदाधिकारी हैं, तो आज बैठक की गई और काफ़ी अधिक संख्या में जो है हमारे जो ट्रस्ट के जो सदस्य हैं उन्होंने बैठक में भाग लिया। और इससे पहले हमारा JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, world class catering, centrally air condition, lush green lawns, state of the art lighting, a perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. aise hi latest khabrein paane ke liye bell icon ko click kar hamare channel ko like share and subscribe kare. dhanyawad.